नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां गंगा की बाढ़ के बाद अब तटवर्ती किसान खेतों के कटान से पीड़ित हैं। सदर क्षेत्र के करंडा ब्लॉक के दीनापुर, तुलसीपुर, महाबलपुर और गदोगाड़ा गांव के लोग कटान के तांडव से बेबस हैं। गंगा के कटान ने उनको बर्बाद कर दिया है। बताया जा रहा है कि गंगा का जलस्तर घटने के बाद 4-5 दिनों तक तो लोग इसलिए प्रसन्न थे कि बाढ़ ने से उनकी फसल नष्ट होने के बाद भी गंगा ने उनके खेतों में मिट्टी पाट कर उर्वरा शक्ति को बढ़ा दिया, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि अब बाढ़ के बाद तेजी से कटान होने लगी है। कटान की तीव्रता इतनी अधिक है कि बुधवार तक 4 गांव की लगभग 150 बीघा उपजाऊ भूमि गंगा में विलीन हो गई। सैकड़ों किसान की अधिकांश भूमि कटकर गंगा में समा गई। इस मामले में नवागढ़ जिला अधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है, टीम भेजकर जो भी शासन प्रशासन द्वारा मदद की जा रही है वो शीघ्र कराई जाएगी। आप देख रहे हैं गाजीपुर से माताब आलम की रिपोर्ट। बाढ़ बीतले से 15 दिन से कटान हो रही है। कितनी जमीन कटी होगी अब तक? अब तक कटी होगी सर 100 बीघा ले ऊपर जमीन कटी होगी। यहाँ किस चीज की खेती करते थे आप लोग? परवर की। अब प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि सर देखिए, कोई प्रशासन मतलब ये मतलब कटान को रोक दे। अच्छा। हम लोग का मतलब परवर बोते हैं, जमीन कट गई है, वृक्ष जो है ये भी कट जाने वाली है, मतलब इसको रोक दो, बचाया जाए, इसको किसी तरह से बचाया जाए। जी हाँ, किसी तरह से बचाया जाए। कब से है सर ये जो है कि कटान? बाढ़ जब से नीचे गया है पानी, हाँ। तब से 10-15 दिन से लगातार कटान हो रही है। कितनी जमीन कटी होगी अब तक? अब समझ लीजिए कि ये पूजन बाबा धाम से लेके तुलसीपुर महबलपुर गद्दोगाड़ा तक 100-150 बीघा लगभग जमीन कट गई है, और इसी तरह से कटान अगर रहेगी तो लग रहा है कि हम लोगों का गांव भी इधर कई ठो तुलसीपुर, शेरपुर, अफ्तीपुर जो है। अच्छा। और महबलपुर अब ये भी जद में आ जाएंगे। अच्छा, तो आप लोग प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो ये समझ लीजिए हम लोगों को बहुत दिक्कत होगा। अच्छा, क्या खेती सब्जी का हम लोगों का करते हैं? अच्छा, ठीक। उसके माध्यम से ये हुआ मुझे कि कुछ कटान क्षेत्र हमारा ऐसा है जहाँ तेजी से कटान हो रहा है। हम अपनी टीम भेजेंगे आज और कल, 2-3 अगले दिनों में, और जो सुविधाएं शासन से उपलब्ध कराई जा सकती है फसल विभाग को। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।